हेलो फ्रेंड्स एमिनेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है तो आज हम किंगडम एनिमेलिया ये लेसन का एट्थ फाइलम जो है मोलुस्का उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं तो ये जो वर्ड है मोलुस्का इसका ये जो मॉलिस है ये मॉलिस का मीनिंग है सॉफ्ट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है उनको मोलुस्का के अंडर कैटेगराइज किया गया है इसके एग्जाम्पल है पाइला बाई वॉल्व ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश कहते हैं सेपिया दैट इज लटल फिश देन चिटोपलूरा जिसको हम चिटोन ऐसे भी कहते हैं पिंक टैडा दैट इज अ अ एंड दैट दैट इज इज सी हेयर डेंटेलियम अ टस्क शेल तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स निकाले हुए हैं जिसके थ्रू हम ये मोलिस्का का स्टडी करेंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अभी ये जो फाइलम मोलिस्का है दैट मोलिस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम यानी कि अर्थ्रोपोड के बाद में अगर कोई फाइलम बड़ा है तो वो है फाइलम मुलिस तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखते हैं ऑल टाइप के हैबिटाइट्स में ये जो मोल्यूस्कस है वो प्रेजेंट होते हैं दे आर फ्री और असीडेंट्री यहाँ पे ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाए जाते हैं एंड मार्शी प्लेसेस पे भी ये पाए जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं तो ये जो मोल्यूस्कस है ये ऑल हैबिटेट में पाए जाते हैं अभी हम इनकी सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो ये बायोलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं बट इसका कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जो असिमेट्रिकल एग्जाम्प असिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं ये पाइला ये एक्सेप्शनल केस है जो असिमेट्रिकल सिमेट्री शो करता है अदरवाइज मोल्यूस्कस uh, के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स बाइलेट्रल सिमेट्री ही शो करते हैं इनकी जो बॉडी होती है ये अनसेगमेंटेड होती है यानी कि हमने अर्थ्रोपोर्ड्स में देखा था कि उनके बॉडी के ऊपर लाइन्स या रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है तो उनको हम सेगमेंटेड uh, बॉडी ऐसे कहते थे बट यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर कुछ भी uh, ऐसे लाइन्स प्रेजेंट नहीं होती है या रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है उनकी बॉडी प्लेन होती है तो वो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है तो इनकी बॉडी हेड फुट एंड विसरल मास के अंदर डिवाइड की गई है अभी ये विसरल मास क्या होता है ये जो मोलिस्कस है इनकी बॉडी मस्कुलर होती है ये मस्कुलर फोल्ड के अंदर इनकी बॉडी एनक्लोज हुई होती है जिसको हम मेंटिल ऐसे कहते हैं अभी इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या है तो इनकी बॉडी में मैंटिल प्रेजेंट होता है कैल्केस शेल प्रेजेंट होती है कैल्केस शेल से यानी कि कैल्शियम कार्बो कैल्शियम से या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई जो शेल होता है वो उनकी बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे या इन इंटरनल साइड पर प्रेजेंट होता है uh, कुछ एनिमल्स इसके ऐसे भी हैं इनकी बॉडी में ये मेंटल एबसेंट होता है uh, इनके बॉडी में मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है ऑन देयर वेंट्रल साइड बॉडी का जो वेंट्रल साइड है यानी कि फ्रंट साइड उसके साइड पे ये मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है ये इसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है अभी हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वेल well डेवलप्ड होती है यानी कि माउथ एंड एनस है दैट इज दैट आर द सेपरेट ऑर्गन्स एंड इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है रेडुला दैट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन ये भी इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अभी हम इनके रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं आ, कुछ एनिमल्स इसके एक्वेटिक होते हैं तो उनमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन करने के लिए टिनीडिया ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इसके ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं तो उनके अंदर इनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है इनका जो सर्कुलेशन है इनकी बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में यानी कि मोल्यूस्कस के बॉडी में ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है हेमोसायनिन तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी नीट की एग्जाम में पूछा जाता है विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ मोल्यूस्कस तो यहाँ पे आपको मोसाइनिन ये आंसर लिखना होगा मोलिस्कस में एक्सक्रिटरी ऑर्गन कौन से कौन से प्रेजेंट होते हैं तो किडनीज एंड बोजेनिस ये इनके एक्सक्रिटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में इनके नर्वस सिस्टम में थ्री पेयर्स ऑफ गेंगलिया प्रेजेंट होते हैं पुलिसकस में सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है ताकि एनवायरमेंट में जो भी स्टिम्यूल्स उनसे इन उनको मिलते हैं तो वो उनको रिएक्ट कर सके इसके लिए इनकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनका रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेक्शुअल होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट अभी इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनके बॉडी में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से भी होता है यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है ये जो जायगोट होता है वो डेवलप्ट होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद ये जो बेबी ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप होता है वेर एज इनडायरेक्ट स्टेज में क्या होता है ये जो जायगोट होता है वो डेवलप होने के बाद उनकी लार्वल स्टेज आती है और फिर ये लार्वल स्टेज के बाद उनका जो बेबी ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप्ड होता है यहाँ पे लार्वल स्टेज आती है वेर एज डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस जिसको हम डेविल फिश कहते हैं देन सेपिया जिसको हम कटल फिश कहते हैं नेक्स्ट वन इज अ चैटियोप्लूरा इसको हम चिटोन ऐसे भी कहते हैं अभी हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर थर्टी फोर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एंड ये जो मोलिस्कस होते हैं ये फ्री लिविंग और सीडेंट्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्वेटिक एंड मार्शी प्लेसेस में भी प्रेजेंट रहते हैं फ्यू आर टेरेस्टियल यानी कि ऑलमोस्ट ऑल हैबिटेट में ये ऑर्गेनिजम प्रेजेंट होते हैं एंड इनकी बॉडी में ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान ये शो करते हैं दैट मीन्स इनका जो माउथ एंड एनस होता है दे आर द सेपरेट ऑर्गन प्रेजेंट इन देयर बॉडी फॉर इंगेशन एंड इगेशन इनकी जो बॉडी होती है ये बायलेटरल सिमेट्री शो करती है बट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो असिमेट्रिकल सिमेट्री शो करते हैं जैसे कि पाइला एंड टॉर्सियन। तो इनकी जो बॉडी होती है ये हेड फुट एंड विसरल मास में डिवाइड होती है इनका ये जो विसरल मास है ये विसरल मास यानी कि क्या होता है यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट मास प्रेजेंट होता है ये एक बॉडी के अंदर जो फोल्ड होता है उसके अंदर एनक्लोज होता है जिसको हम मेंटल ऐसे कहते हैं अब ये जो मेंटल होता है ये कैलकरस शेल का बना होता है कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं इनके बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे भी ये कैल्करस शेल प्रेजेंट होता है या इंटरनल साइड पे भी कैलकरस शेल शेल प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में ये जो शेल है यानी कि ये जो मेंटल है ये एबसेंट होता है फुट है मस्कुलर फुट ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ये है स्पीड्यूला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेंटल है दैट इज़ द कैलकरस कवरिंग एंड ये यहाँ पे आगे देख सकते हो दैट इज़ द दैट इज़ द मस्कुलर फुट तो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है तो इस तरह से ये मेंटल होता है एंड ये है मस्कुलर फुट अभी हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल well डेवलप्ड होती है कम्प्लीट होती है एंड एंटेरियर साइड पर इनका माउथ प्रेजेंट होता है एंड पोस्टेरियर साइड पर एनस प्रेजेंट होता है यानी कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान शो करते हैं तो इनकी जो बकल कैविटी है ये बकल कैविटी में रेडुला करके ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो रेस्पिंग ऑर्गन होता है तो ये जो रेडुला होता है इनमें ट्रांसफर्स रो ऑफ अ टीथ प्रेजेंट होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्वेटिक फॉर्म शो करते हैं जिनके बॉडी के अंदर आ, फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको टेनिडिया ऐसे कहा जाता है यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट वाले जो मोल्यूस्कस हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए टेनिडिया यहाँ पे सी सी साइलेंट है तो ये टेनिडिया प्रेजेंट होते हैं तो ये जो मेंटल की एविटी के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए मोल्यूस्कस के जो एग्जाम्पल्स टेरेस्ट्रियल है उनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप की है एक्सेप्ट सेपिया विच पोजेस अ क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम क्लोज टाइप तो यहाँ पे ये यह जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं ना ये सारे एक्सेप्शंस जैसे कि हमने रेडियल uh, सिमेट्री में भी एक्सेप्शंस कैसे एक्सेप्शनल केसेज स्टडी किए थे और यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यहाँ पे हम एक्सेप्शनस्ट केसेस स्टडी कर रहे हैं ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ये आपको नीट के एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इसका यह डिस्टिंग्विश फीचर है कि ये जो मुलिसकस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ब्लू कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें कॉपर प्रेजेंट होता है और ये पिगमेंट को हेमोसाइनिन ऐसे कहते हैं ये जो मुलिसकस है इनका जो एक्सक्रीशन है ये किडनीज के थ्रू होता है एंड uh, कुछ ऑर्गेनिज्म इन ऐसे भी हैं इनके अंदर बोजाइन करके एक्सक्रिटरी ऑर्गन uh, प्रेजेंट होता है इसके थ्रू भी इनका एक्सक्रीशन होता है एंड नर्वस सिस्टम इनकी थ्री पेयर्स ऑफ गेंगलियॉन्स से बनी होती है जो टिश्यूज़ है कमिशर्स एंड कनेक्टिव ये टिश्यूज़ से वो इंटरकनेक्टेड हुई होती है इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं तो इनके अंदर ये जो आइज़ होते हैं ये विजन के लिए यानी कि दिखने के लिए काम आते हैं ये जो टेंटैकल्स है टेंटैकल्स फॉर टैक्टाइल सेंसेशन यानी कि ये जैसे कि हमारी बॉडी का जो स्किन होता है इसी तरह से ये टेंटैकल वर्क करते हैं सेंसेशन का पता चलता है उसके बाद में ऑस्फ्रेडिया फॉर टेस्टिंग प्यूरिटी ऑफ अ वाटर आर प्रेजेंट तो ऑस्फ्रेडिया ये हमारे टंग की तरह ये काम करते हैं सेक्सेस आर सेपरेट देट मीन्स दे आर यूनिसेक्शुअल मेल एंड फीमेल बॉडी इज डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं मोलिस्कस ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं ओवी पैरस यानी कि देर यंग वंस दैट मीन्स देर ऑफ आर प्रोड्यूस थ्रू एन एग्स तो इनको ओवी पैरस ऐसे कहा जाता है इनकी जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वैसे भी होती है अभी हम इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टडी करेंगे ये जो पर्ल ऑइस्टर है ये हमें प्रेशियस पर्ल्स देता है यानि कि हम जो ज्वेलरीज uh, में जो पर्ल्स पहनते हैं ये बहुत प्रेशियस होते हैं ये ये ऑइस्टर्स के थ्रू हम हमें मिलते हैं बहुत सारे मोल्यूस्कस ऐसे भी होते हैं जो एडिबल होते हैं यानी कि इनका इस्तेमाल हम एज अ फूड करके भी करते हैं इनकी बॉडी के ऊपर का जो मेंटल होता है ये कैल्केरस शेल से बना होता है यानी कि इसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो ये कैल्शियम का एक रिच सोर्स रिच सोर्स होता है नेचुरल रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम इज मेंटल ऑफ द मोल्यूस्किस तो इस तरह से हमने इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी स्टडी कर लिया तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू